हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आरजे ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल में। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फेस पे ब्लीच करते हैं, चाहे वो पार्लर पे करें या घर पे। अगर हम घर में करते हैं तो हमें सही रेशियो नहीं पता होता है कि ब्लीच और एक्टिवेटर को किस रेशियो में यूज़ करना है। एक्टिवेटर ज़्यादा हो जाता है तो हमारा फेस जो होता है बर्न हो जाता है, जल जाता है, फेस पे रेडनेस हो जाती है। या फिर कई बार पार्लर पर भी ऐसा हो जाता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव होने की वजह से या फिर एक्ने वाली स्किन होती है। ऐसा मोस्टली ज़्यादा उन्हीं के होता है कि सही तरीके से ब्लीच यूज़ नहीं करने की वजह से उनके फेस पे रेडनेस हो जाती है या फिर फेस जल भी जाता है कई बार। तो जब ऐसा हो जाए तो उन्हें कैसे ट्रीट करना होता है कि वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। जब हम फेशियल कराते हैं तो फेशियल के साथ में स्टीम दी जाती है, तो कई बार स्टीम ज़्यादा लेने की वजह से या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव है उसकी वजह से स्टीम के तुरंत बाद स्क्रब करते हैं। तो स्क्रब अगर बहुत भारी हाथ के साथ किया जाता है, बहुत हार्श तरीके से करते हैं, या फिर स्क्रब के जो दाने होते हैं वो अगर बड़े होते हैं तो इससे हमारी स्किन क्या होती है कि ख़राब हो जाती है। स्किन की जो ऊपरी परत होती है उसे हार्म होता है, जिससे कि हमारी स्किन बहुत रेड हो जाती है और कई बार रैशेस भी हो जाते हैं। तो इस तरह की स्किन को कैसे ठीक करा जाता है वापस कि थोड़े ही दिनों में आपकी स्किन ठीक भी हो जाए और आपके कोई निशान भी ना रहे, फेस जल जाए, स्टीम से आपके रैशेस हो जाए, रेडनेस हो जाए, तो उस तरह की स्किन को कैसे रिपेयर करते हैं, आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो आज मैं आपको दो होम रेमेडीज़ बताऊंगी, आपको जो सूटेबल हो, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो, दोनों ही आपको आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहली होम रेमेडी है एलोवेरा। एलोवेरा हर एक स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा होता है, बस हमें उसे यूज़ करने का सही तरीका पता होना चाहिए, प्रॉपर वे पता होना चाहिए कि उसे कैसे यूज़ करना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि एलोवेरा जो है अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करोगे तो आपको रिज़ल्ट और भी अच्छे और जल्दी देखने को मिलेंगे। आपको प्लांट से एलोवेरा कट करना है और कट करने के बाद में उसे कुछ देर के लिए रखे रखना है। आप या तो उसे उल्टा रख सकते हो, किसी जगह पर लटका कर रख सकते हो, जिससे कि जो येलो पार्ट होता है उसका जेल जैसा होता है वो निकल जाएगा, तरल होता है वो बिल्कुल। इस लिक्विड का निकलना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे फेस, हमारी स्किन के लिए एक तरह का जहर है, इसे अपनी स्किन पे बिल्कुल मत लगने देना। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम एलोवेरा यूज़ करते हैं पर हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिलने के बजाय साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं कि आप उसमें से जो येलो पार्ट है वो पूरा नहीं निकालते हैं। तो उस येलो पार्ट को पूरा निकाल देने के बाद में आपको जेल निकालना है, ग्रीन पार्ट बिल्कुल मत आने देना। उस जेल को निकालने के बाद उसे अपने फेस पे लगा देना है। हर थोड़ी देर में जब आपका फेस ड्राई हो जाए तो उसे वापस से लगा देना है। ऐसा आपको कंटिन्यू करना है कुछ दिनों तक, विजिबल रिजल्ट्स आपको खुद देखने को मिले। आपको कंटिन्यू करना है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप थोड़ी भी लापरवाही करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू यूज़ करना, ओके। सेकेंड रेमेडी है विटामिन ई कैप्सूल्स। ये जो कैप्सूल्स है कई होम रेमेडीज़ में यूज़ होते हैं, हमारी स्किन, हमारे हेयर दोनों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये कैप्सूल्स आपको इजीली किसी भी केमिस्ट की शॉप पे, मेडिकल शॉप पे आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। हर जगह पर पत्ता होता है शायद, और इसमें आपको 10 से 15 कैप्सूल्स मिलते हैं, एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता है। तो आपको क्या करना है कि एक कैप्सूल लेना है, उसे अपने पूरे फेस पे लगा देना है, उसे लगा रहने देना है, और जब आपको लगे कि भाई वो अपने स्किन में पूरी तरह से पेनिट्रेट हो गया है, उसके बाद में आपको फिर से दूसरा कैप्सूल लेना है, अपने पूरे फेस पे लगा देना है। ऐसा आपको कंटिन्यू करना है, पूरे दिन करना है, आपको इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो ऐसा आपको कंटिन्यू करते जाना है, और जब नाइट टाइम आए तो आपको अपने फेस को क्लीन कर देना है। क्लीन करने के लिए आपको किसी भी अच्छे फेस वॉश का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, ओके। अपने फेस को क्लीन करने के बाद टोनर लगाना है, उसके बाद में आपको फिर से
कैप्सूल लगाना है। एक कैप्सूल अपने पूरे फेस पे लगा दीजिए और फिर सो जाइए आराम से, क्योंकि नाइट टाइम जो होता है आपकी स्किन को रिपेयर करने के लिए बेस्ट टाइम होता है। तो उस टाइम आपको अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर देना है, प्रेप कर देना है, उसके बाद में कैप्सूल लगा के सो जाना है। इसके रिज़ल्ट आपको 10 से 15 दिन में आराम से देखने को मिल जाएंगे। आपके जो भी ब्लीच की वजह से या फिर आपको चेचक वगैरह के जो निशान हो जाते हैं, ब्लीच से जलने के निशान, सब धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। आपके एक्ने की वजह से जो दाग धब्बे रह जाते हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो ट्राई ज़रूर करना, बिल्कुल स्किप करके यूज़ मत करना, कंटिन्यू यूज़ करोगे तो अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो आई होप मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और उसके पास में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस ज़रूर कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।